माइक्रो एस्पोरोजिनेसिस माइक्रोस्पोरोजिनेसिस के विषय में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे कि माइक्रोस्पोरोजिनेसिस क्या है। सबसे पहले हम लोग जान लें कि एंजियोस्पर्मिक पौधे में, या कहें कि फ्लावरिंग प्लांट्स में जिनमें फूल होता है, चाहे वो जिम्नोस्पर्म हो या एंजियोस्पर्म, उन दोनों में माइक्रोस्पोर मीन्स परागकण जिसको कहिए, उसको बॉटनी में माइक्रोस्पोर कहा जाता है। वो बनता कैसे है, इसी को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पॉलन ग्रेन्स इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। माइक्रो मीन्स मेल। सबसे पहले हम लोग देख लें कि फ्लावर होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, फ्लावर के अलावा भी रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब अपने जैसा संतान उत्पन्न कर देना, आदमी का बच्चा आदमी, जानवर का बच्चा जानवर, आम का बच्चा आम, गेहूं का बच्चा गेहूं, टमाटर का बच्चा टमाटर, दो ही तो जीवित है। तो उनमें फ्लावर मुख्य रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और कभी कभी बहुत सारे पौधों में स्टेम से या लीफ से या फ्लावर से रूट से उनका प्रोपगेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन चीफ पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है ये कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनेसियम। कैलिक्स कोरोला को एक्सेसरी हो भी कहा जाता है, और एंडोसियम गाइनेसियम को इसेंशियल हो कहा जाता है। एक फ्लावर हम लोग देखेंगे कि एक फ्लावर में होता है कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम और गाइनेसियम। गाइनेसियम इसको केस डिनोट किया जाता है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम ए से, गाइनेसियम जी से। अब माइक्रोस्पोर माने पराग कण जो होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स या सेल्स होते हैं पराग कण, और वो मेल सेक्स में रहते हैं। ये है मेल सेक्स, एंडोसियम इज द मेल सेक्स ऑफ द फ्लावर, एंडोसियम, इसको एंडोसियम कहते हैं, ANDROECIUM, एंडोसियम। इस एंडोसियम में ढेर सारे फिलामेंट्स हो सकते हैं, ढेर सारे फिलामेंट्स हो सकते हैं, और इन टोटल फिलामेंट्स को कहेंगे स्टैमेन, स्टैमेन। और इन स्टैमेंस के एक स्टैमेन का हम देखेंगे ये स्ट्रक्चर, तो पाएंगे कि उसमें एक फिलामेंट होता है जो यहाँ टोरस, इसको टोरस कहते हैं, इस प्लेस को, यहीं से सब जुड़े रहते हैं। ये अपर भाग है इस डेंटल का, जिसको हम लोग पेडी सिल कहते हैं, ये पेडी सिल से जुड़ा हुआ रहता है, पेडी सिल से जुड़ा हुआ ये भाग है, इसको कहते हैं टोरस, टोरस। इस टोरस या थैलेमस, इसी थैलेमस पर बीचों बीच रहता है फीमेल सेक्स पार्ट, जिसको कहते हैं गाइनेसियम। गाइनेसियम और ये मेल पार्ट, मेल पार्ट है, मेल सेक्स ऑर्गन है फ्लावर का, जिसको कहते हैं एंड्रोसियम, और ये फीमेल सेक्स है जो बीच में है, इसको कहते हैं गाइनेसियम। और इसके मेल सेक्स, मेल गाइनेसियम को फीमेल, फीमेल सेक्स से डिनोट करते हैं, यहाँ मेल को इस प्रकार मेल पार्ट।
क्लियर। अब ये जो है माइक्रोस्पोरोजिनेसिस होगा कहाँ, हम लोग जानते हैं कि माइक्रोस्पोरो माइक्रो मीन्स मेल, मेल स्पोर का उत्पत्ति की उत्पत्ति या मेल रिप्रोडक्टिव स्पोर का डेवलपमेंट विकास कैसे होता वही हम लोग आज देखने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि मेल पार्ट है एंड्रोसियम, उसके एक स्टेमेन को लेते हैं तो उस स्टेमेन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। इस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक फिलामेंट रहता, इसको कहते हैं फिलामेंट, फिलामेंट, और ये फिलामेंट से जो गोलाकार स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है इस पॉइंट को कहते हैं कनेक्टिव, कनेक्टिव, और इससे जो ये सोलन पोर्शन है अपर, इसको कहते हैं एंथर, एंथर, फिलामेंट, कनेक्टिव एंड एंथर। ये तीन पार्ट होते हैं एक एंड्रोसियम में कहिए या एंड्रोसियम या स्टेमेन, जो कहना है स्टेमेन, या इसी को मेल सेक्सुअल पार्ट, मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ द फ्लावर कह सकते हैं, यही है। अब इसमें ही बनेगा मेल सेक्स में ही माइक्रो, माइक्रो मीन्स मेल और मेगा मीन्स फीमेल, ये दो वर्ड है बायोलॉजी में। माइक्रोस्पोर का मतलब मेल स्पोर का डेवलपमेंट है होगा यहाँ एंथर के अंदर होता है ये स्पोर। अब बात यह है कि जो बनता है स्पोर वो कैसे बनता है, वो कैसे बनता है, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि इस एंथर के अंदर दो मुख्य लोब्स होते हैं, ये लोब्स होते हैं, लोब्स कनेक्टिव एंथर हो गया, और ये एंथर में दो लोब्स होते हैं, इन दो लोब्स में भी दो चैम्बर्स होते हैं या लोक्यूलस या प्लूरल में लोकुलाई कह सकते हैं या पॉलिन सैक कह सकते हैं, यही है। तो एक एंथर में चार पॉलिन सैक्स हो गए या चार लोकुलाई कह सकते हैं या चार चैम्बर्स कह सकते हैं। तो एक एंथर का स्ट्रक्चर यही है, एंथर का स्ट्रक्चर यही, एंथर इस प्रकार बना हुआ रहता है। इसमें हर एक चैम्बर में भरे रहते हैं पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन, या माइक्रोस्पोर, 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 माइक्रो, ढेर सारे माइक्रोस्पोर यहाँ भरे रहते हैं। हम लोग को देखना है कि ये माइक्रोस्पोर उत्पन्न कैसे होते हैं, यहाँ बन कैसे जाते हैं माइक्रोस्पोर से, उसी को हम लोग देखेंगे। लोब्स होते हैं और प्रत्येक लोब में दो दो ठो चैम्बर होता है, ये तो लोब्स हो गए और लोब्स में ये चैम्बर्स हो गए, चैम्बर्स या इनको माइक्रोस्पोरेंजिया कह सकते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, स्पोरेंजिया प्लूरल, माइक्रोस्पोरेंजियम इसी को कहते हैं या चैम्बर कहते हैं या लोक्यूल कहते हैं, लोक्यूल कहते हैं। टू लोब्स एंड ईच लोब है टू चैम्बर्स और माइक्रोस्पोरेंजिया और टू लोक्यूलाई प्लूरल, लोक्यूलाई एल आई, ई हट जाएगा प्लूरल में, ई हट जाएगा लोक्यूलाई प्लूरल, लोक्यूलस, लोक्यूलस, फोर चैम्बर्स या माइक्रोस्पोरेंजिया बन जाते हैं। कहाँ ईच एंथर, हर एक एंथर में, एंथर में, और इसमें भरा हुआ क्या रहता है पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स परागकण, जो बाद में परागण की क्रिया द्वारा फर्टिलाइजेशन करते हैं फीमेल सेक्स के ऊपर जाकर और सीड बनता है, इस प्रकार
रिप्रोडक्शन होता है, प्रोपगेशन होता है उस जाति के पौधे का, ये चीज। अब हम लोग देखेंगे कि माइक्रोस्पोर कैसे बनता है। ये जो माइक्रोस्पोर्स है, ये पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है? तो ये माइक्रोस्पोर्स जब फिलामेंट है, कनेक्टिव है, ये जब एंथर का फॉर्मेशन होने लगता है इन द वेरी बिगिनिंग, बहुत शुरुआत में जब एंथर का की उत्पत्ति होने लगती है, उसी टाइम चार वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स उत्पन्न हो जाते हैं। और ये जो वर्टिकल सेल्स हैं, ये डेंस प्रोटोप्लाज्म में होता है, हाईली न्यूट्रिटिव टिश्यू ये होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं, और इनमें एक डिवीजन होता है। जब माइक्रोस्पोर की उन्नति में सबसे पहले चार सेल्स, वर्टिकल सेल्स उत्पन्न हो जाते हैं, और प्रत्येक वर्टिकल सेल में डिवीजन होता है, और सबसे पहले एक बड़ा सेल बनता है, इसे टेंजेंशियल डिवीजन इसको कहते हैं। इसे एक बड़ा सेल और एक छोटा सेल, बाहर वाला आउटर स्मॉलर सेल एंड लोअर लार्जर सेल। अब इस लार्जर से आउटर स्मॉलर सेल का नाम है पेराइटल सेल। अब इस लोअर लार्जर को स्पोरोजीनस सेल कहते हैं। क्लियर? ये जो पेराइटल है, इस पेराइटल में टेंडेंशियल डिवीजन होते रहता है। इस प्रकार तीन चार रोज बन जाते हैं, कतार बन जाते हैं तीन चार, बाद में भी होते रहता है ये डिवीजन, फिर होगा और ढेर सारे लेयर्स यहाँ पेराइटल लेयर बन जाते हैं। ये पेराइटल लेयर का जो बाहरी आउटर पोर्शन है, ये तो हो गया एपिडर्मिस बना देगा, और उसके बाद एंडोथीसियम इस लेयर को थीसियम बना देगा, फिर मिडिल लैमेला बन जाएंगे, और ये लास्ट वाला जो होगा, ये होगा बहुत ही मल्टी न्यूक्लिएट हाईली कंसंट्रेटेड फूड पार्टिकल्स, वेल डेवलप्ड साइज, और ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है, और इस न्यूट्रिटिव टिश्यू को कहते हैं इस न्यूट्रिटिव टिश्यू को बोलते हैं टैपिटम। ये वेज शेप्ड होता है, वेज शेप्ड होगा, हाईली न्यूट्रिटिव होगा, मल्टी न्यूक्लिएट, ऐसा वेज शेप्ड इस प्रकार, ये टैपिटल सेल्स है। इस प्रकार पेराइटल लेयर से ढेर सारे लेयर्स बन जाएंगे, और उसी टाइम जो स्पोरोजीनस सेल है, इसमें भी बार बार डिवीजन होगा और ढेर सारे स्पोरोजीनस सेल्स बन जाएंगे।
टेपिटम कहते हैं, इसको टेपिटम। इसी के अंदर पॉलन ग्रेन का स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो पॉलन मदर सेल के रूप में ये अलग अलग साइटोप्लाज्म से घिर जाते हैं, साइज में बड़े हो जाते हैं और इनको कहते हैं।